हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। और मेरा नाम रीता चौधरी। और कल के लिए सॉरी, कल मुझे वीडियो रिलीज़ करना था लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ, आज कर रही हूँ। और आपसे मेरा बस यही कहना है कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जो नए जुड़े हुए हैं वो वहाँ से सारे लिंक से मेरे वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस की लिस्ट दी है, जिसमें कि मैंने जो हीमोडायलिसिस पे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन। तो जो लोग न्यू जुड़े हुए हैं या पुराने देखना चाहते हैं वो लोग देख लीजिए। पेशेंट कॉम्प्लिकेशन लगभग पूरे हो चुके हैं, 2-3 टॉपिक बचे हैं माइनर से, वो मैं एक वीडियो में कंपाइल करके दे दूँगी। और अभी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन में एयर एम्बोलिज्म एंड हीमोलाइसिस हो चुका है। ब्लड लीक अलार्म जो है वो आज का टॉपिक है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ और कहनी है मुझे कि आज मैं थोड़ा सा बोलने की स्पीड तेज़ रखूँगी, स्पीड बढ़ाऊँगी, क्योंकि वीडियो जो बनेगा अगर मैं धीरे धीरे बोली तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है तो इस वजह से। तो सबसे पहले आता है कि ब्लड लीक इन हीमोलाइसिस, ब्लड लीक होता क्या है। उससे पहले मैं आपको ये चेक बता देती हूँ, जो नए नए हैं यहाँ पे डायलिसिस में उनके लिए ये, अगर आपको ना पता हो तो, जब डायलिसिस होती है तो ये क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल किडनी, ये ब्लड ट्यूबिंग, ये जो आपको दिख रही है ये ब्लड ट्यूबिंग कहलाती है। और ये सारी किससे कनेक्ट होती है, पेशेंट के मतलब ये फिस्टुला बना हुआ है तो ये पेशेंट से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी वजह से ये जो आपने ये देख रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी, ये क्या बना होता है, इसमें कि बीच में फाइबर्स होते हैं वाइट कलर के और साइड में खाली जगह होती है। तो जो खाली जगह होती है उसमें डायलिसेट, या आप कह सकते हैं कि डायलिसिस का पानी बहता है और बीच में क्या होता है, ब्लड बहता है। अब ये क्यों बहता है, इन दोनों के बहने से, और बीच में जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसी के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये प्रेशर लगते हैं यहाँ पर, तभी ब्लड की सफाई होती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये मेम्ब्रेन फट जाती है तो क्या होगा, तो ये होता है कि ब्लड निकल के कहाँ आ जाता है, ये जो डायलिसिस वाला पानी है ना जिसे हम डायलिसेट बोलते हैं, इसमें आ जाता है। और अगर ये इसमें आ जाता है तो क्या होगा, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है ना कि ये डायलिसेट कंटामिनेटेड हो, हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है ना। तो अगर ये डायलिसेट कंटामिनेटेड हुआ या डायलिसेट कंटामिनेटेड करेगा ही करेगा ब्लड को, तो अगर मेम्ब्रेन रप्चर हुई किसी भी वजह से, आर्टिफिशियल किडनी की जो फाइबर्स हैं या मेम्ब्रेन्स हैं वो फटी या और ब्लड लीक हुआ, मतलब ब्लड बाहर आया, तो ये क्या कहलाता है, ब्लड लीक कहलाता है। अब इस ब्लड लीक को टेक्निकल प्रॉब्लम में हम लोग रखते हैं हीमोडायलिसिस की, और इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मेजर, मेजर क्या होता है कि आपको खुद अपनी आंखों से दिखाई दे जाएगा जो ब्लड बाहर आया मेम्ब्रेन फट के, कि आप बोल सकते हो कि हाँ भाई इसमें से ब्लड बाहर आया तो ये ब्लड लीक हो गया। या कहीं जो इसके ऊपर कपलर, चारों इसके जो किडनी होती है उसके दोनों तरफ ये कपलर होते हैं, मतलब कि ढक्कन होते हैं और इसके साइड में कपलर लगे होते हैं, तो वहाँ पे अगर कहीं आपको ब्लड दिखाई देता है तो भी आप बोल सकते हैं, मतलब आपको आंखों से दिखाई दे जाएगा कि हाँ ब्लड लीक हो रहा है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, मेजर ब्लड लीक। और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है और बार बार ब्लड डिटेक्टर अलार्म कर रहा है और आपने टेस्ट कराया तो भी वो पॉजिटिव आया, तो इट मीन्स क्या है, ये माइनर ब्लड लीक अलार्म है। एक आता है आपका सुपीरियर स्प्यूरियस ब्लड लीक अलार्म। इसमें क्या होता है कि फॉल्स अलार्म होता है, कि जैसे कि ट्रिगर करेगा, सेंस करेगा ब्लड लीक डिटेक्टर कि हाँ भाई शायद ब्लड हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ब्लड हो, एयर बबल्स की वजह से भी कभी कभी वो ट्रिगर करता है या सेंस करता है, तो भी वो अलार्म करेगा, साउंड करेगा ब्लड लीक डिटेक्टर, ठीक है। तो ये कहलाता है स्प्यूरियस ब्लड लीक अलार्म। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, देखिए सिम्टम्स क्या हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो ब्लड बाहर आएगा और डायलिसेट में मिलेगा, तो ये आपको दिखाई देगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल किडनी है इसके दोनों तरफ क्या लगा होता है, डायलिसेट के लिए ये कपलर लगे होते हैं। अगर वो कपलर किसी भी वजह से लूज़ लगे हुए हैं या प्रॉपर नहीं लगे हुए तो वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड गिरेगा, जो कि आप देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। दूसरा क्या मैंने बताया, आर्टिफिशियल किडनी के दोनों तरफ ढक्कन होता है, अगर वो ढक्कन लूज़ होंगे तो वहाँ से भी ब्लड लीक होगा। एक और चीज़ क्या है कि भाई वहाँ पर अंदर, उसके अंदर एक ओरियो रिंग भी होती है, अगर वो रिंग नहीं होगी तो भी ब्लड बाहर आएगा, ठीक है। तो आप आँखों से देख सकते हैं कि हाँ भाई ये सिचुएशन में ब्लड बाहर आ रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, ब्लड लीक के ही सिम्टम्स हैं ये। इसके अलावा जो कपलर लगे हुए हैं, अगर वो प्रॉपर लगे हुए हैं लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि उसमें जो कपलर का कलर, जो पानी आ रहा है वो वाइट कलर का है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है वो कलर चेंज हो जाता है, पिंकिश या ब्राउन हो जाता है या रेडिश हो जाता है। दैट सिचुएशन में भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये मतलब ब्लड लीक हो रखा है। एक क्या होगा इसके अलावा, इसमें जो ब्लड लीक डिटेक्टर अलार्म है ये भी क्या करेगा, ये भी साउंड करेगा, मशीन बंद हो जाएगी। तो ये सब सिम्टम्स हैं इसके। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कभी कभी मैंने जैसे आपको बताया कि एयर डिटेक्टर, वो ब्लड लीक डिटेक्टर अलार्म करेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। तो दैट सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि इसको टेस्ट के लिए दे सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिप ग्रीन हो जाएगी और अगर नहीं होगा तो स्ट्रिप ग्रीन नहीं होगी। तो अगर नहीं है, फॉल्स है, तो इट मीन्स कि कोई एयर बबल्स वगैरह आ गया होगा। तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब ब्लड लीक डिटेक्टर जो इस अलार्म है उसके कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि ऑप्टिकल सेंसर, ब्लूटूथ मॉड्यूल्स और ये सब भी काम करते हैं। तो ये मैंने इसमें जानकारी के लिए लिख दिया है। इसके अलावा आपको जो पेशेंट है, उस पेशेंट को जो आर्टरी और वीनस वाली जो निडल लगी है, अगर वो प्रॉपर जैसे या तो जैसे माइक्रोपोल लगाया और माइक्रोपोल लूज़ लगा हुआ है या पेशेंट ने ऐसे हाथ हिलाया या किसी भी वजह से वो माइक्रोपोल हट गया या कुछ भी हुआ, तो दैट सिचुएशन में भी क्या होगा कि वो अगर निडल अपनी जगह से हटी या आगे पीछे हुई तो ब्लड लीक होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ब्लड लीक होगा। अब आते हैं कॉजेस। कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस तो यही है कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, जो डायलाइजर की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है तो भी ब्लड लीक होगा। अगेन क्या है, अगर वो मैंने बताया कि जो आर्टिफिशियल किडनी है उसकी O-ring मिस हो जाती है तो भी। अब प्राइमिंग के समय मतलब जो ब्लड लीक डिटेक्टर अलार्म है अगर आप उसको मतलब प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो भी वो ब्लड लीक डिटेक्टर का अलार्म देगी। तो ये भी एक फॉल्स कॉज है लेकिन उसको क्लीन करना है। इसके अलावा जो रीप्रोसेसिंग के टाइम पे क्या करता है स्टाफ, बहुत ज़्यादा ब्लड लीक मतलब ब्लड के क्लॉट निकालने के लिए क्या करेगा, डायलाइजर को लेके और बहुत किसी भारी सी चीज़ से उसे खटखट खटखट करेगा। तो उससे क्या होगा, मेम्ब्रेन कमज़ोर पड़ेंगी ना, और मेम्ब्रेन कमज़ोर पड़ेंगी तो क्या होगा, ब्लड लीक होने के पूरे चांसेस होंगे और हेडर भी टूट सकता है। ठीक है, कई बार रीप्रोसेसिंग करते समय मतलब डायलाइजर वॉश करते समय O-ring निकल जाती है, तब आप जब उसको प्राइमिंग कर रहे हो और आपने नहीं देखा, पेशेंट को लगा दिया तो भी ब्लड लीक होगा ही होगा। इसके अलावा जो कपलर है वो प्रॉपर नहीं लगे डायलिसिस के समय तो भी, अगर मशीन को लगाते समय किसी पेशेंट को आप डायलिसिस पे ले रहे हैं अगर प्रॉपर उसकी रिंसिंग वगैरह नहीं हुई है तो भी ब्लड लीक के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर डायलाइजर है वो बहुत पुराना है या फिर ऐसा हो जाए कि कोई पेशेंट आज डायलिसिस करा के गया और वो एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आया और उसने बोला कि मेरी डायलिसिस करनी है, तो आपने वही पुराना वाला डायलाइजर लगा देना, नहीं, आपने उसमें केमिकल डाला है तो केमिकल की वजह से मेम्ब्रेन को हार्म हो सकती है। तो दैट सिचुएशन में अगर आप उसको वही डायलाइजर लगाएंगे तो क्या होगा, ब्लड लीक के चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर पानी बहुत ज़्यादा मतलब जो डायलाइजेट आ रहा है डायलिसिस के लिए वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो उससे क्या होगा, पहले तो हीमोलाइसिस और फिर ब्लड लीक होगा। ठीक है, अगर ट्रू ब्लड लीक अलार्म आ रहा है किसी भी वजह से आपने देखा है वही पूरा वाला प्रोसीजर कि क्यों हो रहा है, वो कोई भी मिस्टेक हो सकती है ना, या तो कपलर सही ढंग से नहीं लगाए या ट्यूबिंग कहीं से भी सही ढंग से नहीं लगाई तो उसकी वजह से ये ट्रू ब्लड लीक अलार्म आ सकता है, या जो वीनस या आर्टरी की निडल मतलब आपने लगाई है लेकिन माइक्रोपोर किसी भी वजह से लूज़ हो जाए या कुछ भी हो जाए या पेशेंट अपना हाथ हिला ले तो भी ब्लड लीक होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। मशीन जो है इनिशियल में जो प्रेशर होल्डिंग टेस्ट है वो फेल कर दे तो भी ब्लड लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर जो आर्टरी और वीनस वाला जो ब्लड लीक जो होता है वो कहाँ होता है, हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट पे ही पता चलता है। तो जब भी आप किसी को आर्टरी या वीनस निडल लगाते हैं तो पहले चेक करिएगा कि भाई प्रॉपर तरीके से वो टाइटली मतलब प्रेस होकर माइक्रोपोल लगाया कि नहीं। इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं कि एकदम से दबा दें, लेकिन हाँ इतना तो होना चाहिए कि वो निडल अपनी जगह से ना हटे। इसके अलावा ये कमी उसकी भी हो सकती है जो कंपनी हमको डायलिसर दे रही है, मतलब जो भी डायलिसिस सेंटर पे या डायलिसिस जो पेशेंट अपना लेकर आते हैं तो ये कंपनी की भी कमी हो सकती है कि भाई जो डायलिसर दे रही है कंपनी वो उसका कोई फॉल्ट हो, उस वही बनाने में ही उसके फॉल्ट हो तो भी डायलिसिस के समय ब्लड लीक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है कि अगर आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपको मैनेजमेंट में ये देखना है कि आपको प्राइमिंग अच्छी करनी है। दूसरा आपको ये करना है कि रीप्रोसेसिंग के समय चेक करना है कि भाई कोई चीज़ निकली तो नहीं, और उसको भारी चीज़ से पीट पीट के ना करके ऐसा कुछ ना करके आपको बाकायदा हेडर को निकालिए, उनको खोलिए आर्टिफिशियल किडनी के, और किसी भी गॉज वगैरह से उसके क्लॉट वगैरह को साफ़ करिए, बजाय इसके कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके उसको पीटें, क्योंकि उससे हेडर भी कमज़ोर हो रहा है और जो मेम्ब्रेन है वो भी कमज़ोर हो रही है। और अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड डायलाइजर है तो उसको ओल्ड डायलाइजर ना लगा के उसको क्या करना है, न्यू डायलाइजर लगा दीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि प्राइमिंग के समय आपको ध्यान देना कि चलो रीप्रोसेसिंग वाले जो भी जिसने भी वॉश किया डायलाइजर, अगर उसने ओरियो रिंग अगर उससे मिस हो गई तो आप उसको में ओरियो रिंग मतलब देखें, चेक करें कि भाई इसमें ओरियो रिंग है या नहीं है। आप किसी भी पेशेंट की डायलिसिस शुरू करते हैं उससे पहले मशीन को प्रॉपर तैयार करें और ये देखें कि मशीन सारे टेस्ट पास कर रही है या नहीं। अगर मशीन ने कोई भी टेस्ट जैसे रिंस वगैरह या होल्डिंग टेस्ट वगैरह कोई भी फेल किया तो प्लीज़ मेरा आपसे यही कहना है कि आप पेशेंट को मत लीजिए उस मशीन पर, ठीक है। इसके अलावा आपको जो करना है, अगर आप देख रहे हैं कि भाई पेशेंट को जो ब्लड लीक डिटेक्टर जो सेंस कर रहा है उसका जो साउंड है वो बार बार आ रहा है और जो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई ये ब्लड लीक हो गया है, तो दैट सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि उसको वॉश के लिए नहीं लेके जाएंगे डायलाइजर या ट्यूबिंग को, पूरे ट्यूबिंग को कहीं नहीं लेके जाएंगे, आप होल सिस्टम को डिस्कनेक्ट करेंगे पेशेंट से। पेशेंट की जो आर्टीरियल और वीनस की जो निडल लगी हुई हैं उन्हें फ्लश करेंगे और बाकी जो भी ब्लड ट्यूबिंग है डायलाइजर वगैरह है ये सबको कलेक्ट करके और आप क्या करेंगे, फेंक देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मशीन सबसे पहले तो यही है कि मशीन स्टॉप करेंगे, ब्लड लाइंस को क्लैम्प बंद करेंगे और डिस्कनेक्ट कर देंगे पूरा पेशेंट से उसको सिस्टम को, एक्स्ट्राकोरियल सिस्टम को। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर किसी पेशेंट का चेक करिए, अगर पोटेशियम 5 से लेस देन है या 5 है और उसका ओवरलोड नहीं है पेशेंट को, तो आप बोलिए कि भैया आज नहीं हो सकता आप कल आ जाएँ, ठीक है। और या अगर किसी पेशेंट का 2 घंटे डायलिसिस चल गई दैट सिचुएशन में उसका मतलब क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि ब्लड लीक मतलब पहले ही होगा, हो सकता है कि 2 घंटे चलने के बाद हो या 2 घंटे में ही हो जाए, तो दैट सिचुएशन में अगर पोटेशियम नॉर्मल है और ओवरलोड भी नहीं है फ्लूइड से पेशेंट, तो उसको उसके घर भेज दें। अगर पोटेशियम ज़्यादा है और फ्लूइड ओवरलोड है तो तुरंत मशीन से उसको डिस्कनेक्ट करके फिस्टुला निडल को फ्लश करके आप उसे दूसरी मशीन पर लें जो ठीक हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं कि भाई जो एयर बबल्स का अलार्म आ रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं जो ब्लड लीक अलार्म है वो फॉल्स है, ये एयर बबल्स का अलार्म है, तो जैसे आपने जो जैसे जो रेड वाला साइड है वो आप ऊपर रखते हैं डायलाइजर का, ब्लू वाला नीचे, तो अगर एयर बबल्स का साइड है तो आप क्या करेंगे उसको उल्टा पोजीशन पे कर देंगे। उससे क्या होगा, वो जो एयर का जो साउंड हो रहा है ना वो एयर निकल जाएगी और जो फॉल्स जो ब्लड लीक डिटेक्टर का अलार्म आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल में हो जाएगा। कभी कभी ये भी हो जाता है ऐसे करने से भी कि जैसे अगर किसी को देखा आपने कि भाई इसको मतलब ये आ गया ब्लड लीक डिटेक्टर आ गया है, तो दैट सिचुएशन में आप जो उसका वीनस ब्लड गैस का जो हीमोग्लोबिन है वो चेक कराएंगे, अगर वो 100 से लेस देन होता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म भी करेंगे। और जैसे ही आप देखते हैं कि भाई ये जो ब्लड लीक हो गया है तो एक काम और कर सकते हैं कि जो डायलाइजेट का जो डायलाइजेट का जो कंपार्टमेंट का जो प्रेशर है वो आप -50 mmHg तक कम कर सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया कम जाए ब्लड में, मतलब ब्लड के कांटेक्ट में बैक्टीरिया कम आए। एक मैंने आपको बता ही दिया। और इस ब्लड लीक डिटेक्टर जो है इसका बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी पेशेंट को लगा रहे हो तो ब्लड लीक डिटेक्टर को कपड़े से या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दें, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, प्राइमिंग में ध्यान देना है, ठीक है। डिटेक्टर प्रॉपर क्लीन होना चाहिए आपका एयर डिटेक्टर जो है, और आपको ध्यान देना है कि जो आपने कपलर लगे हुए हैं जो आर्टिफिशियल किडनी से वो प्रॉपर अटैच होने चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से लगे होने चाहिए। ओरियो रिंग जो प्राइमिंग कर रहा है उसको देखना चाहिए कि ओरियो रिंग वगैरह है या डायलाइजर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। और फ्लशिंग करते समय आप ये ध्यान रखिए कि उसमें एयर वगैरह ना गई हो, लेकिन कभी कभी सुपीरियर जैसे कि वो फॉल्स अलार्म भी आते हैं, तो दैट सिचुएशन में आप क्या करें, वो अलार्म तो बजेगा ही, साउंड करता रहेगा, तो आप उसको ओवरराइड कर करके उसको प्रेस करते रहिए। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो आप 3-3 मिनट पे मतलब थोड़ा उसे प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर बाद ही वो 3 सेकेंड तक अगर आप प्रेस करते हैं फिर दोबारा से प्रेस करते हैं तो वो चला जाएगा। इसके अलावा आपको डिसइंफेक्ट करना है मशीन को प्रॉपर तरीके से, और अगर कोई मशीन ने कोई भी ब्लड लीक का या फिर आपको रिंस वगैरह का कोई भी अलार्म देती है तो उस मशीन पे पेशेंट को नहीं लेना है, ठीक है। जो कार्ट सी है और कार्ट ए है उसको प्रॉपर क्लीन करना है। हमेशा, अगर ये मैं स्टाफ के लिए बता रही हूँ कि अगर आपने देख लिया है कि भाई कोई डायलाइजर मतलब लीक हो गया है, तो एक ऑडिट के समय ये काम आ जाते हैं कि तो आपको एक फ़ाइल बना लेनी चाहिए कि ये कंपनी का डायलाइजर इस दिन क्लॉट हुआ, इस पेशेंट को लगा और ये नाम था, ये सब था, ये कैप वगैरह सब उसको रखने हैं आपको, तो वो आप वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसके अलावा वो कंपनी को इन्फॉर्म करिए, अगर बार बार ये चीज़ें हो रही हैं तो जिस कंपनी से डायलाइजर आ रहा है आप उसको इन्फॉर्म करिए, जिससे कि अगर आप क्लेम करेंगे तो आपको वो कंपनी अच्छे डायलाइजर या फिर उसका पैसा रिटर्न करके देगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना है कि हाँ भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग में कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। और बाकी आपको जो करना है कि अगर जेन्युइन मतलब आ रहा है तो आपको ये पता करना है खुद ही कि ब्लड लीक फॉल्स है या ट्रू है। ये स्टाफ की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको ये पता होना चाहिए इस स्टाफ को कि भाई ये ट्रू ब्लड लीक अलार्म है या फॉल्स ब्लड लीक अलार्म है। तो ये सारे के सारे, इसमें कोई मेडिसिन वगैरह काम नहीं करती, इसमें सारी कॉन्शियसनेस काम करती है, वो भी पेशेंट की और स्टाफ की। ठीक है, कि स्टाफ अपने काम को लेके कितना अवेयर है और पेशेंट अपनी डायलिसिस को लेके कितना अवेयर है, ये डिपेंड करता है। सिर्फ सारा ट्रीटमेंट इसका ब्लड लीक का जो पूरा ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट आपकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों का पेशेंट भी और स्टाफ भी ध्यान दें। तो ये पूरा वीडियो था और कुछ भी छूट गया होता, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।